राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना ने सीएम आवास में घुसपैठ कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद उनके आवास पर तैनात 27 कर्मचारियों की रिपोर्ट रविवार को पॉजिटिव आई। इसमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। उधर पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,660 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में कोरोना फैल गया है। अब तक झालोर कोविड की तीसरी लहर से बचा हुआ था। रविवार को झालोर में भी 2 पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान में रविवार को 358 मरीज रिकवर हुए। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,377 नए संक्रमित सामने आए। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो पिछले 9 दिनों में राजस्थान में कोरोना 19 गुना रफ्तार से बढ़ा है। जयपुर में एक मौत भी दर्ज हुई है। जोधपुर में 600 कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं। एक्टिव केस 14,166 से बढ़कर 19,467 हो गए हैं। 5,301 केस एक दिन में पड़े हैं। जयपुर में जगतपुरा में सबसे ज्यादा 102 पॉजिटिव केस मिले हैं। मुख्यमंत्री गहलोत 3 दिन पहले पॉजिटिव आए थे। एहतियातन सीएम हाउस 96 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे। 27 कर्मचारी की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। इसमें वीवीआईपी ड्राइवर भी शामिल है। 3 दिन पहले रिपोर्ट आने से 2 घंटे पहले ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पॉजिटिव आने के बाद गहलोत ने संपर्क में आए सभी लोगों से खुद को आइसोलेट होने की अपील जारी की थी। राजस्थान की जिलेवार रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में सबसे ज्यादा 2,377, जोधपुर में 600 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, अजमेर में 130, अलवर में 364, बारां में 2, बाड़मेर में 40, भरतपुर में 200, भीलवाड़ा में 166, बीकानेर में 237, बूंदी में 11, चित्तौड़गढ़ में 146, चूरू में 68, दौसा में 109, धौलपुर में 17, डूंगरपुर में 46, गंगानगर में 30, हनुमानगढ़ में 26, जैसलमेर में 16, झालोर में 2, झालावाड़ में 30, झुंझुनू में 11, करौली में 0, कोटा में 209, नागौर में 49, पाली में 105, प्रतापगढ़ में 44, राजसमंद में 9, सवाई माधोपुर में 90, सीकर में 79, सिरोही में 53, टोंक में 46, उदयपुर में 312 संक्रमित मिले हैं। करौली जिले में रविवार को केस नहीं मिला, लेकिन पहले से एक्टिव केसों की संख्या यहां 5 है। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें, हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।